छाङ्गु लेक एक होली लेक माना जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, इसलिए यहाँ पे घंटा होता है। और हमारा ये मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मार्केट है, छाङ्गु का मार्केट है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग खाते हैं और ये मार्केट बहुत चलता है टूरिस्ट के लिए। और वहाँ पे बस हमारा ये गार्बेज बहुत निकलता है। अभी वेस्ट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा वेस्ट का कोई मैनेजमेंट नहीं होने से तो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। गार्बेज का कोई देखभाल नहीं करता था, इसलिए हमने यहाँ पे छाङ्गु पोखरी संरक्षण समिति का फॉर्मेशन हुआ है। और ये समिति एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है। छाङ्गु पोखरी संरक्षण समिति हर टूरिस्ट से 10-10 रुपये कलेक्शन करता है। एक 10 रुपये जितना कलेक्ट करता है उसका 50% गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाता है और 50% से यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे गार्बेज क्लीनअप करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं ड्राइवर के लिए, डस्टबिन इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे डिसइंफेक्शन करते हैं, लेक का डिसइंफेक्शन करते हैं। और साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसी एनुअल जनरल मीटिंग में हमारा एक साल का एनुअल लेक कंजर्वेशन प्लान होता है, उसमें बजट एलोकेशन होता है। फिर उसका एलोकेशन करने के बाद हमारे साल भर में ये काम इम्प्लीमेंट करते हैं। तक सीट छोड़ने के कारण वहाँ पे लेक गंदा हो रहा था, पूरा गंदा हो रहा था। टूरिस्ट लोग के साथ कागज चिप्स के पैकेट लोग सभी हुए लेक पे डालते थे, इसीलिए यहाँ से छोड़े। तो अभी यहाँ लेक साफ सीखे तो यहाँ से ऊपर में ज़्यादा प्रॉफिट था। दुकान के प्रॉफिट के हिसाब से तो हम लोग को दुकान के ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन साफ सफाई की सोचने से तो दुकान यहीं पर रहने से अच्छा है। छाङ्गु पीएसएस निकलने से पहले यहाँ पे गार्बेज का कोई देखभाल नहीं करता था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हो गया था इधर पे। फिर बाद में हमारा कम्युनिटी का एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद में ये सेलिब्रेशन ज्यादा करना है। सुबह और शाम को यहाँ पे गार्बेज डंपिंग होता है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे स्टाफ एक बाबा जी है, वो गार्बेज को सेग्रीगेट करते हैं। बोतल अलग से निकलता है, ट्रेट्रा पैक अलग से निकलता है, बोरी अलग से निकलता है और कार्टन्स वगैरह अलग से निकलता है। वो हम ड्रम में डालते हैं। तो ड्रम में डालने के बाद क्या होता है कि नीचे में ट्रक बैठा होता है, उस पर ये ड्रम एकदम स्लाइड होता है, वहाँ से नीचे भी गार्बेज सब नीचे ट्रक में चला जाएगा। और इस तरह से हम ये गार्बेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।